मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये देखिए ये यात्रा निकली है अयोध्या के लिए अंडाभाव साटे चौक से। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये जो है ये यात्रा अभी नागपुर से निकली है, नागपुर के अन्नाभाव साटे चौक से निकली है और पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी दिखाई दे रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ में है, क्या बताना चाहोगे सर? अभी रैली निकल गई है और शांति का संदेश सभी तरफ जाना चाहिए, आप क्या बताना चाहोगे? पुलिस बंदोबस्त जितना अपेक्षित था उतना हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। रैली के लिए प्लस सभी धर्मों की सद्भावना के लिए जो भी जरूरी था हमने वो स्टेप लिए हैं और अभी पीसफुल रैली का स्टार्ट हो गया है। होपफुली थ्रू आउट द जर्नी कंटिन्यू रहेगा और हमारा बंदोबस्त साथ में रहने वाला है। एक कहना ऐसी है कि अभी यहाँ पे देखा गया कि भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति नीचे रखी गई है तो उस पे वो विवाद हो गया और उधर के लोग इधर आ गए थे, जो विवाद नहीं है, सब डिस्कशन करना चाहते तो हमसे डिस्कशन करके सब सॉल्व हो गया। ओके, क्या क्या संदेश देना चाहोगे अभी आप? संदेश तो ये क्या बताना चाहोगे लोगों को आप? दोनों पक्ष जरूरत नहीं, सब पीसफुली चल रहा है, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोनों को, सबसे पहले ही कोऑर्डिनेशन हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि जैन सर का यही कहना है कि सभी ने शांति बनाए रखे और ये जो है ये दीक्षा भूमि चौक है और उधर जो है अन्नाभाव साठे जी जो है उनका जो पुतला है वहाँ से ये समरसता बाइक रैली निकली है और ये जो बाइक रैली है ये बाइक रैली अयोध्या जा रही है और देख सकते हैं किस प्रकार से। और मैं खास बात तो ये बताना चाहूँगा कि ये दीक्षा भूमि रोड है, ये दीक्षा भूमि रोड से नहीं निकली ये रैली, ये रहाटे कॉलोनी जो रोड है रहाटे कॉलोनी के तरफ जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग से ये रैली गई है, दीक्षा भूमि मार्ग से रैली नहीं गई। मैं फिर बताना चाहूँगा यहाँ पे पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, आप देख सकते दीक्षा भूमि मार्ग से रैली नहीं गई, ये जो रैली गई है रहाटे कॉलोनी जो मार्ग है रहाटे कॉलोनी की तरफ जाने वाला जो मार्ग है वहाँ से ये रैली गई है और अन्नाभाव साटे चौक से ये रैली निकली है। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई ये रैली है और ये अन्नाभाव साटे चौक से अयोध्या जाने वाली है और ये बाइक रैली है, ये यात्रा है बाइक रैली और अयोध्या के लिए ये जो रैली है ये निकली हुई है। मैं बताना चाहूँगा अभी वहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्ग है ये मार्ग दीक्षा भूमि का है, दीक्षा भूमि की ओर से देख सकते हैं यहाँ कटघरे लगाए गया है, बैरिकेड लगाए गए पुलिस के द्वारा, यहाँ से ये बाइक रैली नहीं गई, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो बाइक रैली निकली वो दीक्षा भूमि मार्ग से नहीं गई। मैं फिर बताना चाहूँगा ये गई है रहाटे कॉलोनी मार्ग से ये रैली गई है और अन्नाभाव साटे चौक से ये रैली निकली है और अयोध्या के लिए रवाना हुई है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH News। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ से जो है दीक्षा भूमि से अयोध्या ये जो लिखा है ये हमें नहीं चाहिए, मैसेज हमें नहीं जाना चाहिए। चालू है काही म्हणणं नाही आम्हाला, आम्हाला जे किती चालू तुम्ही किती बोलाय, तुम्हाला तुम्हाला जे आम्ही इन्फॉर्मेशन आमच्या वैचारिक ज्या विषमता आहे तिथे ती आम्हाला नको आहे ना, आणि तुम्ही आणि ऍक्शन घेऊन आले साहेब तुम्ही त्याच्यावरती।
ऍक्शन घ्या ना त्याच्यावरती तुम्ही. मीटिंग झाली त्याच्या सगळ्यांची मीटिंग झाली. कोणी दिली? समाजाने नाही दिली. समाजाचं जे आहे सर्व नेते कोणते? आपण नेते आता तुम्ही म्हणाले नेते आहे. कोणत्या नेत्याने सांगितलं एवढं सांगा ना. मग नाही नाही ते नाही म्हणायचं. बाबासाहेबांची मूर्ती जवळ रामाचा आहे. आमचं म्हणणं आहे की त्यांच्यावर सर एक तर ऍट्रॉसिटी ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल करा किंवा बाबासाहेबांच्या मूर्तीला रामाच्या मूर्तीपासून वेगळं करून तुम्ही तुमचा रथ यात्रा न्या. शहरामध्ये जर जातीय दंगल झाली तर याच्यामध्ये सर आम्हाला असं वाटत आहे की पोलिसांचं सहकार्य आहे त्यांना. काय काय उद्या तुम्ही जिम्मेदारी घ्याल का? हा सर शहरामध्ये रामाची आणि बाबासाहेबांची मूर्ती एकत्र नको आहे. दुसरी गोष्ट जी आहे दीक्षाभूमी ते अयोध्या हा मॅसेज बिलकुल जायला नको. तुम्ही ज्या कुठूनही काढा. तुम्ही जे आहे त्या आरएसएसच्या हेडक्वार्टर मधून काढा. इकडे काय म्हणणं आहे सर तुमचं? आमचं म्हणणं असं आहे जो रथ सजलेला आहे त्या रथावरती दीक्षाभूमी ते अयोध्या ये जो समरस यात्रा जो है हम लेके जा रहे हैं. दीक्षाभूमी जी आहे की त्या रथावरून ज्या दीक्षाभूमी ते यात्रा काढली नव्हती रामाची फोटो आम्ही आमच्या पायथ्याशी ठेवली हे त्या लोकांना मान्य होणार आहे का? आणि यांना एवढं आहे तर यांनी प्रतिज्ञा घ्याव्या. आमचं हेच म्हणणं आहे यांनी जे दीक्षाभूमी ते त्रिदिशन पंचशील आणि बाबासाहेबांची मूर्ती ठेवून ते रथ यात्रा काढत आहे. मूर्ती आहे बुद्धाची मूर्ती आहे. आमचं म्हणणं ह्या मूर्त्या तिथून हटवा आणि त्यांनी त्यांचं जे काही आहे धार्मिक त्यांनी ते रथयात्रा काढावी हे विनाकारण महाराष्ट्र शासन देवेंद्र फडणवीस आणि इथले काही आरएसएसचे लोक जाणीवपूर्वक दोन्ही समाजामध्ये तेढ निर्माण करून इथे कशी दंगल व्हावी चुनावाच्या आधी हे यांचं षडयंत्र आहे. आणि महाराष्ट्र पोलीस यांना योग्य ते सहकार्य करत आहे हा माझा आरोप आहे. यांच्यामध्ये जर खरंच जर चांगल्या प्रमाणे त्यांना हे करायचं आहे आम्हाला त्यांच्या यात्रेला विरोध नाही आहे. पण यांनी ज्या विचारधारा त्या जुळत नाही वर्षानुवर्ष कधी त्या जुळलेल्या नाही यांना हे पुन्हा जाणीवपूर्वक यांनी दीक्षाभूमी त्या रामाच्या मंदिरावर सिम्बॉल काढून इथे ते रथयात्राला हे केलेलं आहे. माझं हेच म्हणणं आहे पुन्हा एकदा की बाबासाहेबाची मूर्ती गौतम बुद्धाची मूर्ती रामापासून दूर ठेवून त्या गाडीवरचं त्यांनी दीक्षाभूमीचा जो बॅनर काढावा आणि रथयात्रा हे करावी. नाहीतर शहरामध्ये जर दंगल झाली जातीय दंगल झाली जर सर्वसामान्य जनतेची डोकेफोड झाली रक्त सांडलं तर याला एकमेव महाराष्ट्र पोलीस नागपूर शहर जिम्मेदार राहील गृहमंत्री जिम्मेदार राहील. आणि हे होईल कारण की वेळोवेळी जागेवरून कोण येत आहे निघेल ना तर हे शक्य होईलच. आणि यांचं जे षडयंत्र आहे ना ते पूर्ण होईल. आम्ही शांत आहोत फक्त आम्ही काही नियमानुसार आहोत. आम्ही बाबासाहेबांचे विचार शांत आहोत आणि ते वाट पाहून राहिलेले आहे की या दीक्षाभूमीच्या रोडने जाणार आम्ही अशा प्रकारची असं काही नाही. तर बुराडे साहेबांनी इथे येऊन अयोध्येला चालले नाही कोणत्या साईडने आणि सर ऐका दीक्षाभूमीच्या आतमध्ये कोणीही प्रवेश करणार नाही पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा दीक्षाभूमीच्या समोरून सुद्धा ते जाणार नाही. त्यांचा रूट ठरलेला आहे आणि अतिशय शांततेत वेगळ्या पद्धतीने त्यांचं चाललं. रूट नेताने ते जे बाबासाहेबांची गौतम बुद्धाची मूर्ती दीक्षाभूमी नागपूर हे त्यांनी रामाची गौतम बुद्धाची मूर्ती एकत्र ठेवली आहे तिथून ते गौतम बुद्धाची बाबासाहेबांची मूर्ती त्यांनी हटवावी आणि आपला रथयात्रा इथून निघण्याच्या आधी बोला कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास भीम सैनिक जबाबदार राहणार नाही. आणि तिथे लिहिलेलं आहे दीक्षाभूमी ते अयोध्या हे पण जे हे दीक्षाभूमी नाटा नागपूर ते अयोध्या करा. नागपूर ते अयोध्या करा सर. उद्या अशांतता या संदर्भात सर्व नेत्यांसोबत दोन्ही सर आम्ही नेते म्हणून नाही आम्ही आम्हाला नेत्याचा जागेतल्या आम्ही बाबासाहेबांना अवश्य अवश्य जे काही उचित पावलं आणि किंवा जर तुम्हाला हे अधिकाऱ्यांच्या भावना एक मिनिट जर तुम्ही कळून नसाल शकत आम्हाला लिखित द्या की हे तुमच्या हातामध्ये नाही आहे. आम्हाला तर आठवड्याचं काही घेणं देणं नाही ना. कोणत्याच नेत्याचं आमच्या समाजाचा नेता काही घेणं देणं नाहीये. आम्ही जोपर्यंत इथून बाबासाहेबांची मूर्ती गौतम बुद्धाला आम्ही त्या रथातून मुक्त करणार नाही. ज्या महामानवाने आम्हाला इथून मुक्त केलं पूर्ण वर्षानुवर्ष गुलामगिरीतून मुक्त केलं आज आम्ही त्यांना तिथून मुक्त करू तोपर्यंत इथून जाणार नाही. आणि महाराष्ट्र पोलिसांना एकमेव चेतावणी देत आहे की तुम्ही कायदा सुव्यवस्था टिकवण्याकरता ते कार्य लवकरात लवकर करा. आम्ही जर कायदा हातात घेतला आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर याची जिम्मेदारी मुख्यमंत्री गृहमंत्री प्रशासन राहील. जय भीम जय भारत. दुसरा भीमा कोरेगाव आम्ही करून दाखवू लवकरात लवकर. चला रे 1818 ची लढाई यांना दाखवून देऊ आम्ही काय आहे तर.
संजीव कुठे गेले? ज्या प्रकारे आरएसएस प्रणित जी रॅली दीक्षाभूमीच्या जवळपास मधून निघत आहे तो मेसेज व्हायरल झाला पूर्ण नागपूर शहरामध्ये, आणि तो मेसेज व्हायरल झाल्यामुळे त्यांची जागा चेंज झाली असे पोलीस प्रशासनाचं म्हणणं आहे. जर व्हायरल नसता झाला तर काय माहीत त्यांनी रॅली मैदानातूनच काढली असती, काही सांगता येत नाही. कायदा सुव्यवस्था बिघडली ना पाहिजे हा पोलीसवाल्याचा प्रथम कर्तव्य पाहिजे. पण पोलीसवाले उलट आम्हाला समजवायच्या आहे, उलट त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे पोलीसवाल्यांनी. कारण की तिथं जेव्हा आम्ही गेलो तिथं बघितलं तर रामाच्या मूर्तीच्या खाली तथागत गौतम बुद्धाची मूर्ती होती. तथागत गौतम बुद्ध इतके लहान नाहीत या देशात, काय या जगामध्ये तथागत गौतम बुद्धाचं नाव आहे. कित्येक देश त्यांच्या नावावर चालतात, त्यांच्या धर्मावर चालतात, पण तिथे तथागत गौतम बुद्धाला भगवीकरण करण्यात येत आहे. म्हणजे त्यांच्या भगवा तो आरएसएस जडित मनुवादाच्या भगवा आहे, आणि तथागत गौतम बुद्धाचा भगवा हा शांततेचा भगवा आहे. आणि आपण त्या शांततेच्या चिवरमध्ये सर्व भिक्खूगण राहतात. आणि आता जशा प्रकारे पोलीस प्रशासनाने सांगितलं की रॅली आम्ही इथून जाऊ देणार नाही, परिसरात सामोरूनही जाऊ देणार नाही. मराठीत बोललेलो होतो. मेरे साथ में और भी आंबेडकरी अनुयायी है, हम उनसे भी जानेंगे. आप ये बताइए कि जो बजरंग दल की जो रैली निकली विश्व हिंदू परिषद की, जो अयोध्या के लिए अन्नाभाव साठी चौक से, तो उनके पास उनके गले में यानी नीला दुपट्टा और पंचशील का ध्वज था, क्या कहना चाहोगे? ये ऐसी जो कोशिश है, इन्होंने कोशिश नहीं एक सक्सेसफुल कोशिश, इसके पहले भी बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार जो है वो किया, और इसके ऊपर जो है ये ऐसा करेंगे ही करेंगे. इसका रेफरेंस मिलता है, बाबा साहब ने बताया कि ब्राह्मीण लोगों ने इस देश में पहले जो इनके जो वैदिक देवता थे रुद्र इंद्र और चंद्रमा सूर्य, बाबा साहब कहते हैं कि इन देवताओं को इन्होंने बदला, और इसके बाद वैदिक देवता बदलने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने जो पुराणोक्त जो भगवान है देवता है वो भी इन्होंने ग्रहण किया, जिसमें राम और कृष्ण वगैरह जो है ये इनके पौराणिक भगवान है. बाद में ये भगवान जो है इसके बाद इन्होंने बदले, क्षत्रियों को भी भगवान बना दिया, ऐसा बाबा साहब कहते हैं. इसके बाद जो है इन क्षत्रियों की जो ताकत है वो कम पड़ गई, कि क्या इन्होंने फिर उनकी जो औरतें हैं उनका भी जो है सहारा लिया, और दुर्गा चंडी काली जो है ये सब जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये बाबा साहब की कोट की हुई है. उसके बाद इन्होंने जिस तरह से रुद्र इंद्र जो वैदिक भगवान छोड़े, उसके बाद इन्होंने पौराणिक जो भगवान जो छोड़े, उसके बाद क्षत्रिय जो राजा लोग है कैरेक्टर जो है उनको ही भगवान बनाया, उसके बाद महिलाओं को भी जो है एक गॉडेस देवी का रूप दिया, बुद्ध को अवतार बना दिया. रिसेंट टाइम में बाबा साहब ने एक उदाहरण बॉम्बे का दिया था कि एक दरगाह के ऊपर भी जो है ब्राह्मण बैठ जाता था. तो इस तरीके से ये जो लोग है ये अपना जो बाप जो है ये बदलने के लिए जो है कभी भी आगे पीछे, या भगवान भी जो है पहले वाले छोड़ देते हैं. और जिस तरह से गौतम बुद्ध को लिया, तो मॉडर्न टाइम में जो है ये बाबा साहब को भी हाईजैक करने के विचार में है, और बाबा साहब उनके जो है हाईजैक होने में जो है वो हम लोग बहुत बड़ी जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है वो बीच में आड़े आ रहे हैं. बच्चा जो है दीक्षा भूमि से वो वहाँ या वहाँ से इधर, अगर वो अगर वहाँ से इधर भी अगर आते हैं तब भी उनको अलाउ नहीं होना चाहिए. वो इसलिए कि बुद्धिज्म की तरफ या अम्बेडकर बुद्धिज्म की तरफ अगर आना है तो ब्रेन जो है खुला करके आना पड़ता है. राम जो है ये उनका जो है वो होगा, क्योंकि हमने 56 को छोड़ा, 35 को तो उसका नोटिस दे दिया बाबा साहब ने. जिस नासिक में बाबा साहब ने इसका आंदोलन किया, 5 साल ही आंदोलन चला. इसलिए राम को भला बुरा कहने के लिए जो हम जो लोग हैं, राम को भला बुरा कहने में उसको गाली देने के लिए जो अधिकार है इस देश में ना मुसलमानों क्रिश्चियनों को जैनों को और हिंदू को भी नहीं है, वो हमें है. वो इसलिए कि 5 साल आंदोलन चलाया हमने, लाठी काठी डंडे कंडे जो भी है, यह राम के मंदिर में काराराम मंदिर नासिक का सत्याग्रह जो है ये 5 साल चला. और बाबा साहब वहां पर बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि 5 साल तक जो हमारा जो आंदोलन चला तो हमारी पोजिशन भी नहीं थी. 5 साल की गरीब लोगों की इकोनॉमी बर्बाद कर करके वो लोग जो है 5 साल आंदोलन चलाना,
दरवाजे के गेट तक भी जो है हम लोग को इन्होंने हाँ आने नहीं दिया। हाँ दरवाजे के गेट तक आप एडिट कर लेना ना, दरवाजे के गेट तक जो है यहाँ तक भी आने दिया और बाबा साहब को छाते में से पत्थर लगाता, तो लाठी काठी डंडे कंडे जो है वो खाने वाले हम हैं। 5 साल तक जो आंदोलन जो है वो हमने किया राम के लिए, इन लोगों ने वगैरह वो किया नहीं। आज जो है हमको राम से जोड़ने की कोशिश वो इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये है कि ये खर्चा बिरचा करना लाठी काठी डंडे वगैरह, इसलिए राम के बारे में जो है तो 35 में जहाँ पर बाबा साहब ने ये आंदोलन रोका उसी 35 में फिर बाबा साहब ने उसी नासिक में घोषणा किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये फेमस डायलॉग है बाबा साहब का, वहीं पर बोला। नासिक का सत्याग्रह हुआ और नासिक में डिक्लेयर किया, नासिक का सत्याग्रह राम के मंदिर के लिए था और नासिक में बाबा साहब ने इसको मैं छोड़ दूंगा ये बोला, और उसके बाद आपको ये दीक्षा भूमि पीछे की जो है वो 14 अक्टूबर 56 साल के बाद का ये नज़ारा आपको दिख रहा है। और कुछ बोलना है? क्योंकि इन्होंने अब जब अयोध्या के लिए रैली या दीक्षा भूमि के चौक से शुरुआत की, इसका अर्थ ये होता है कि ये बुद्धिस्ट सर्किल नहीं, ये राम सर्किल रूट बनाने की कोशिश कर रहे थे और बौद्धिक लोगों को गुमराह कर रहे थे, लेकिन हमारे लोगों को तब ध्यान में नहीं आया, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुका है कि बुद्ध के इस सेंटर को वहां से जोड़ना ये गलत बात है। वो भी साकेत भूमि है अयोध्या, लेकिन मानते नहीं है, बात अलग है, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास भी इसका प्रूफ है। लोग बोलने से डरते लेकिन डरना नहीं चाहिए, जो हिस्ट्री निकली है तो निकली है ना। अगर तुम्हारे पिताजी का नाम अगर अशोक होगा तो अशोक बोलना पड़ेगा, तुम उसको सुरेश नहीं बोल सकते, ये बात तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि डीएनए के आधार पर प्रूफ हो जाएगा कि तुम अशोक के बेटे हो, सुरेश के बेटे नहीं हो, तो उसको मानना पड़ेगा, साइंटिफिक चीज है, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो वही अगर हम अशोक के बेटे हैं, जैसे मेरा नाम राजश्री अशोक इंगड़े, तो मैं अशोक की बेटी हूँ, है ना, तो मैं अशोक की बेटी हूँ, सुरेश की बेटी नहीं बोल सकती। उसी तरह ये भारत बुद्ध का भारत है, हर किसी को बुद्ध का आधार लेना पड़ेगा तभी वो कोई काम कर पाएगा। ये भी आज बजरंग दल ने खुद ही प्रूफ कर दिया, वो हमारे सिवा उनका कोई तवज्जुक या वजूद नहीं है, ये भारत बुद्ध का भारत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवाजी, जय जिजाऊ। ये भारत जो है ये बुद्ध का भारत है और शांति का संदेश जो है तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो अन्नाभाव साठे से लेकर तो अयोध्या तक की जो बाइक रैली जो निकली है, वो बाइक रैली मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि दीक्षा भूमि मार्ग से ये रैली नहीं गई और राहटे कॉलोनी मार्ग से ये रैली गई है और शांतिपूर्वक वो रैली गई है। और यहाँ पे जो अंबेडकर अनुयायी जो दीक्षा भूमि में बैठे थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि इस मार्ग से ये रैली नहीं जाना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्वक दोनों पार्टियों को समझाया और इसके बाद ये जो रैली है ये राहटे कॉलोनी मार्ग से निकली है और अभी अयोध्या के लिए जा रही है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।